अमेठी में जमीनी विवाद में कुल्हाड़ी से हमला कर मौत के घाट उतार दिया गया। भाई और भतीजे ने चाचा को मौत के घाट उतारा है। दरअसल विवाद को सुलझाने के लिए कल पंचायत में बैठक हुई थी, पंचायत हुई थी, लेकिन उस पंचायत के बाद भी कोई हल नहीं निकला। नतीजा ये कि भाई और भतीजे ने चाचा की ही हत्या कर दी। तो आरोपी भाई और भतीजे के ऊपर केस दर्ज किया गया है। वही पुलिस ने फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जामो थाना क्षेत्र के संभई गांव का यह मामला है, जहां पर रिश्ते कलंकित हुए हैं, शर्मसार हुए हैं। जमीन को लेकर विवाद चल रहा था और इस जमीन के विवाद को लेकर ही कल पंचायत में भी बैठक हुई थी, लेकिन पंचायत की इस बैठक के बाद आखिरकार अपने मंसूबों को अंजाम दिया गया। भाई और भतीजे के जरिए और चाचा को मौत के घाट उतार दिया गया। चाचा की हत्या की गई है, भाई और भतीजे ने चाचा को ही मौत के घाट उतारा है। फिलहाल चाचा के जिस तरह से मौत को अंजाम दिया गया, उसके बाद भाई और भतीजा दोनों पर ही मामले को दर्ज किया गया है। तो जमीन को लेकर काफी वक्त से विवाद था और विवाद को सुलझाने के लिए ही पंचायत की कल बैठक हुई थी। आलोक फिलहाल हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पर जुड़ गए हैं। आलोक, भाई और भतीजा जिन पर केस को दर्ज किया गया है, क्या गिरफ्तारी इनकी हो पाई है और कितने वक्त से इनका ये जमीन को लेकर विवाद चल रहा था? मैं बता दूं कि जमीन को लेकर विवाद काफी दिनों से चल रहा था और जिसको लेकर कल बैठक भी हुई थी। कई गांव के मानिंद लोग और जो दोनों भाई हैं और भतीजा है, सबको लेकर एक बैठक हुई थी जिसमें निर्णय भी हो गया था और दोनों राजी भी थे। लेकिन रात में इस तरह के जघन्य हत्या का वारदात जिन्होंने किया है और कुल्हाड़ी से इन्होंने वार करके मौत के घाट उतार दिया है, तो जाहिर सी बात है कि तो परिवार वालों ने इनके ऊपर जो कुछ लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस इनको खोजबीन में लगी हुई है, अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। चलिए, धन्यवाद आपका आलोक हमारे साथ जुड़ने के लिए।